हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु चैनल। मैं हूं सनातन मेहता। आज आपको हम दिखाएंगे फोटोकॉपियर मशीन का लाइट और डार्क करने का और एक भी तरीका रहता है, जो आपका बहुत ही कम आदमी का मालूम रहता है, जो सेटिंग का अंदर भी और बाहर में से भी चार स्टेप रहता है। डार्क करने का चार स्टेप रहता है, लाइट करने का और भी चार चार करके अंदर से भी सेटिंग है। वो सेटिंग अगर कर लीजिएगा, कोई भी इमेज को अगर आप लाइट करते हैं फिर भी डार्क रहता है, तब आप अंदर से जाकर सेटिंग का अंदर से फिर लाइट और भी चार घाट तक कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ही डार्क भी आप कर सकते हैं, अंदर सेटिंग से बाहर में चार, अंदर भी चार और भी स्टेप रहता है, जो वो सेटिंग करने से आपका जो इमेज का जो क्वालिटी आप जैसा देना चाहते हैं, जितना रहता है वो क्वालिटी, उसको कैसे बहुत ही क्लीन दे सकते हैं, जो डार्क रहता है उसको कैसे बिल्कुल डार्क से लाइट कन्वर्ट करके आप उसको बिल्कुल क्लीन पिक्चर दे सकते हैं, क्लीन इमेज दे सकते हैं, क्लीन फोटोकॉपी कर सकते हैं। लाइट और डार्क को सेटिंग करके अंदर का सेटिंग हम आपको करके दिखाते हैं। बाहर का जो सेटिंग है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अंदर से जो और चार भी स्टेप रहता है, डीप करने का चार स्टेप रहता है, लाइट करने का, वो सेटिंग आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। आप जैसे चाहते हैं प्रिंट वैसे भी दे सकते हैं। जितना सामने रहता है चार स्टेप, वो चार स्टेप से अगर लाइट या डीप करने के बाद भी आपको और भी ज़रूरत पड़ता है लाइट करने का या डीप करने का, तो वो भी सेटिंग हम आपको दिखा देते हैं अंदर से, वो भी आपका मिल जाएगा। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन का सेटिंग आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइट कैसे लाइट किया जाता है वो आप जानते हैं। यहाँ से लाइट, यहाँ से डार्क किया जाता है। लाइट का डार्क करने का यही एक तरीका होता है। अगर इससे भी ज़्यादा लाइट चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है और भी लाइट करना पड़ेगा, इतना लाइट करने के बाद भी डॉक्यूमेंट काला आता हो, तब और भी लाइट करने का और एक जगह तरीका है। और अगर आपका डीप करना है, देखिए यहाँ पे सिस्टम होता है, लाइट और डीप करने का तरीका आपको तो मालूम ही है। इधर से लाइट होता है और इधर से कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर डीप करना है तो डीप भी किया जाता है। लाइट और डीप ये आपको पता ही है। तो और एक भी तरीका है जो अंदर से भी सेटिंग करके रखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए एडिशनल फंक्शन से आपको दिखाते हैं हम। एडिशनल फंक्शन ही में वो सेटिंग रहता है। एडिशनल फंक्शन दबाइए, कुछ भी सेटिंग इधर क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एडिशनल फंक्शन देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग आ गया। इस सेटिंग से ही आप अंदर से काली, ज़्यादा डार्क या लाइट कर सकते हैं। देखिए एडजस्ट ऑब्लिक क्लीनिंग, एडजस्ट में आइए, एडजस्ट में देखिए एक्सपोजर रिकोलरेशन में यहाँ पे प्रेस कीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे लाइट डीप कर सकते हैं, डार्क करना है तो इधर प्रेस कीजिए, इधर डार्क है, अगर लाइट करना है तो इधर करके लाइट कर दीजिए, ताकि आपका जो लाइट करना है वो वहाँ पे थोड़ी में ओके करना है, फिर डन करना है, फिर डन करना है, यहाँ पे बार बार डन ही करना है। ओके करने के बाद डन कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे अब एक बार करने से उधर पहले से कमाया हुआ है, तो इधर एक बार कमाने का मतलब उधर चार, एक पांच घाट कम गया काली, छः घाट, सात घाट, आठ घाट तक काली कम जा गया, एक दो तीन चार, उधर भी चार, चार चार आठ घाट काली कम गया। मतलब यहाँ चार कमाने के बाद भी, लाइट करने के बाद भी अगर डार्क होता है फिर और दो तीन चार तक रहता है, तो उतना भी कमा सकते हैं। फिर डार्क करने के बाद उसी सिस्टम है, एडिशनल फंक्शन एडजस्ट, यहाँ पे आइए, डार्क करना है तो यहाँ पे फुल डार्क भी करके ओके कीजिए, करने के बाद डन कीजिए, फिर डन कीजिए, तो आपका सेटिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अगर डार्क करना है और चार ठो घर है जो डन हो गया है, डार्क हो गया, फिर ये पांच बार है, ये छः बार है, ये सात बार है, ये आठ बार है, तो इसी तरह डार्क आप बहुत सा डार्क कर सकते हैं और बहुत सा लाइट कर सकते हैं। जितना सामने रहता है उतना अंदर से भी होता है। तो ये है सिस्टम। तो आप हमेशा ही ऐसे ही रखिए, अगर ज़रूरत पड़े तब जाकर इसको आप सेटिंग में आगे पीछे करके रख सकते हैं। डन डन
कर दीजिए, हो गया सेटिंग, रिसेट कर दीजिए। इसी तरह डार्कनेस बढ़ाया जा सकता है या लाइट किया जा सकता है अंदर से। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो देने के लिए हम कोशिश जारी रखते हैं।